G75 ग्रूबिंग साइकिल। देखिए जो हमारा वर्क पीस है वो 80 का डाया है, 2 और 100 mm की लेंथ है। 80 का डाया है, 100 mm की लेंथ है, और इसके बाद जब वर्क पीस पे कटिंग करना है तो देखो 15 mm दूर, फ्रंट से 15 mm दूर पे 5 mm थिकनेस का ग्रूव काटना है, और जो ग्रूव डाया या माइनर डाया बनाना है 75। तो देखो हमारे पास जो टूल है वो 3 mm का है। जब ग्रूव काफी डेप्थ तक कटिंग करनी होती है उस केस में हम G75 ग्रूविंग साइकिल का यूज करते हैं। तो देखिए हम प्रोग्राम डालते हैं मशीन में, ड्राइंग के अकॉर्डिंग चाबी ऑन किया, एडिट मोड, प्रोग्राम फंक्शन, DRI OS 27 के नाम से प्रोग्राम डालते हैं, इंसर्ट इंडो ब्लॉक, इंसर्ट पहले हेडर लिखेंगे N1 इंडो ब्लॉक सीक्वेंस नंबर G40 G80 कैंट साइकिल कैंसिल, इसके बाद मशीन होम पोजीशन, इसके बाद टूल नंबर 3 ऑफसेट नंबर 3 इंडो ब्लॉक इंसर्ट G97 S 600 की स्पीड दे दिया, M03 इंडो ब्लॉक इंसर्ट, इसके बाद G21 G99 M07 इंडो ब्लॉक इंसर्ट। ये तो हो गया हेडर। इसके बाद हम प्रोग्राम बनाएंगे तो सबसे पहले साइकिल में पोजीशनिंग होती है G0X82। देखो 80 का डाया है हमने, 82 2 mm वर्कपीस से ऊपर, और जेड में -15 mm ग्रुप छोड़ना है तो 18 पे हमने पोजीशन दी, 3 mm टूल की थिकनेस को ऐड कर लिया। इसके बाद G75 रिट्रेक्शन, आर में कटिंग के बाद रिट्रेक्शन कितना होगा हर बार एक्स में 1 mm, तो हमने डाल दिया R1 रिट्रेक्शन इन एक्स एक्सिस। फिर G75X ग्रुप डाया कितना बनाना है 75.0, Z20 टोटल ग्रुप लेंथ फ्रॉम आउटर पॉइंट, यहां से जो ग्रुप कटा है उसको लेके टोटल कितनी थिकनेस है ग्रुप लेंथ की फ्रॉम आउटर पॉइंट। इसके बाद P में एवरी डेप्थ ऑफ कट, ये वैल्यू माइक्रोन में पड़ती है, हर बार कितना काटना 1 mm। इसके बाद स्टेपिंग इन जेड एक्सिस क्यू फीड 0.2 इंडो ब्लॉक इंसर्ट, ये हो गया हमारा साइकिल। तो देखो यहां से ये 1 mm काटेगा, यक्स में कितना कटिंग करेगा 1 mm, पी में जो पहलू पड़ती है 1000 माइक्रोन पड़ी है तो 1 mm कटिंग होगी, 1 mm रिट्रेक्शन होगा। यह ऐसा तब तक करेगा जब तक कि 75 ना हो, 75 होने के बाद टूल ऊपर पोजीशन लेगा, उसके बाद 2 mm और शिफ्ट हो जाएगा जेड में, क्यू होता है स्टेपिंग इन जेड एक्सिस, 2 mm शिफ्ट होगा, फिर कटिंग करेगा 1 mm, कटिंग करेगा 1 mm ऊपर होगा, ऐसे करते करते ये 75 का डाया बनाएगा, उसके बाद टूल ऊपर होगा। फिर हम फुटर लिखते हैं G28 U0.0 M05 इंडो ब्लॉक इंसर्ट, M09 कूलेंट ऑफ इंडो ब्लॉक इंसर्ट, M30 प्रोग्राम इंड एंड रिसेट। अब देखो प्रोग्राम हो गया ड्राइंग के अकॉर्डिंग, अब हम पीपी के ऑफ करते हैं और रिसेट करते हैं, प्रोग्राम सेव हो गया। अब हम टूल सेलेक्ट करेंगे तो देखो पहले वर्क पीस सेलेक्ट करते हैं, स्ट्रोक साइज 80 का डाया है, 100 mm की लेंथ होनी चाहिए तो इसे हम क्या करेंगे 100 mm कर लिया। ओके देखो वर्क पीस लग गया, अब यहां से 15 mm दूर पे ग्रुप काटना है तो हमने प्रोग्राम डाल लिया है। अब हम टूल बांधते हैं, टूल मैनेजमेंट में जाएंगे, यहां से हम ग्रुप टूल लेंगे, ग्रुपिंग का टूल, और देखो इसकी इंसर्ट की थिकनेस 3 mm है, एड टू 3 नंबर, हमने प्रोग्राम में कितना दिया है 3 नंबर, तो 3 नंबर में देखो ग्रुप टूल बन गया। अब पोजीशन करेंगे, जॉग में जाके हम टूल चेंज करेंगे,
तीन नंबर। अब हम ऑफसेट लेंगे ग्रुप का, तो देखो तीन नंबर टूल हो गया, अब हम रैपिड पोजीशन करेंगे, टूल टच हो गया, वर्कपीस में टूल को टच करना है, ऑफसेट ओपन करेंगे और हम बताते हैं आपको ज्योमेट्री में ऑफसेट लेते हैं। तो देखो यहां से हम क्या करेंगे, ज्योमेट्री ओपन करेंगे और तीन नंबर हमारा प्रोग्राम में देखिए ऑफसेट नंबर तीन है और टूल नंबर तीन है और ऑफसेट नंबर भी तीन है, तो हम तीन नंबर में जाएंगे। एक्स 80 का डाया है तो एक्स 80.0 मेजर और फेस पे जेड 0.0 मेजर। इसके बाद हम रिफरेंस करेंगे एक्स प्लस जेड प्लस, देखो व्यू सही करते हैं, फ्रंट व्यू करके आपको दिखाते हैं। ये देखो वर्कपीस है, अब देखो यहाँ फ्रंट से 15 mm दूर पे 3 mm का ग्रुप काटना है, तो प्रोग्राम करते हैं। देखो साइकिल को हम ऑटो में चला देते हैं, ये ग्रुप कटेगा, देखो ये 1 mm की कटिंग हो रही है और 1 mm का रिट्रैक्शन हो रहा है। फिर 2 mm जो क्यू में हमने दो इधर डाला है वो स्टेप ले लिया और उसके बाद कटिंग हो रही है, 1 mm कटिंग हो रही है, 1 mm रिट्रैक्शन हो रहा है। ऐसा तब तक होगा जब तक कि 75 का डाया ना बन जाए। इसके बाद टूल होम पोजिशन, प्रोग्रामिंग एंड रीसेट। तो G75 ग्रूबिंग साइकिल इसका यूज किया जाता है जब किसी वर्क पीस में काफी डेप्थ तक ग्रुप काटना हो तो हम साइकिल का यूज करते हैं, और जिस साइकिल का यूज करते हैं वो G75 ग्रूबिंग साइकिल होती है।